जिस रेल हादसे में 275 लोगों की जान चली गई उस पर अब सियासी ट्रेन बेरोकटोक दौड़ने लगी है। हालांकि सरकार ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद हादसे की वजह जानने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन जांच किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले कांग्रेस ने पूरी रफ्तार से सरकार पर हमला कर दिया। ताजा पहल पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे। खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा कि रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों हैं और लोको पायलट की भर्ती क्यों नहीं हुई। इसके बाद खड़गे ने प्रधानमंत्री से ये भी पूछा कि सरकार ने पहले हुए हादसों से कोई सबक क्यों नहीं लिया और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हुआ। आखिर में खड़गे ने पूछा कि सीआरएस के सुझावों को नजरअंदाज क्यों किया गया। वहां उसका जो मेंटेनेंस है और साथ साथ रेलवे में जो एम्प्लाइज हैं बहुत बड़ी संख्या में वहां जगह खाली है। जाहिर है कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। बालासोर हादसे के बाद कांग्रेस को केंद्र सरकार पर हमले का मौका मिला तो राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, जहां बालासोर हादसे का भी जिक्र किया गया। और राहुल ने अपने कार्यक्रम के दौरान हादसे में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए कुछ देर का मौन रखा। इसके बाद राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर तो निशाना साधा ही, साथ ही बात बात पर पिछली सरकारों को कोसने की मोदी सरकार की आदत को बालासोर जैसे हादसों की वजह बताया। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। मौका मिला तो कांग्रेस के साथ ही उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री पर तंज कसा। वंदे भारत, अमुक भारत, दमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। भले ही मोदी सरकार के दौर में ट्रेन हादसे बहुत कम हुए, लेकिन इससे सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। चूंकि देश धीरे धीरे लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए बालासोर हादसे पर सियासी बयानबाजी चौंकाती नहीं है। इसे विपक्ष के सवाल पूछने के हक से जोड़कर भी देखा गया और सवाल पूछने के इस हक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। ममता बनर्जी ने कई सवालों के साथ साथ केंद्र सरकार पर मरने वालों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। हालांकि रेलवे ने हादसे की डिटेल जारी कर सफाई दी और ओवर स्पीडिंग से भी इनकार किया। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही है और उन्होंने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। इस बीच झारखंड के चक्रधरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती जलाकर मौन रखा। इस बीच जिम्मेदारी निभाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद रेल मंत्री दर्द की इस घड़ी में खुद भावुक नजर आए। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। निश्चित रूप से सियासी आरोप प्रत्यारोप से हटकर रेल मंत्री का पूरा ध्यान अभी अपनी ड्यूटी निभाने पर ही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर 6 महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद रेसलर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया रेलवे में अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। साक्षी मलिक रेलवे में होने जा रही इंटर डिविजनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। असम अरुणाचल बॉर्डर पर मामूली विवाद के बाद हुई गोलीबारी में 2 नागरिकों की मौत हो गई। मारे गए दोनों नागरिक असम के धेमाजी के रहने वाले थे। असम और अरुणाचल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के नेपसराय इलाके में एक शख्स की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जालौन में बेटी से गैंगरेप के बाद पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक न्याय की गुहार लगा रहा पिता अपनी बेटी के साथ कई दिनों से थाने के चक्कर काट रहा था, लेकिन पुलिस केस को रफा दफा कर रही थी। बालासोर हादसे के 72 घंटे बीत जाने के बावजूद अपनों की तलाश का सिलसिला थमा नहीं है। ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत की पुष्टि होने के बावजूद अभी तक 100 से ज्यादा शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में हादसे वाली ट्रेन से सफर करने वाले जो लापता हैं, उनके परिवार वालों की हालत को समझना मुश्किल नहीं। अपनों की खैर खबर जानने के लिए घर वाले हर उस ठिकाने पर पहुंचते देखिए जहां घायलों का इलाज हो रहा है या जहां घायलों और मृतकों की जानकारी मिल सके। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले सुमित मलिक का जब कुछ पता नहीं चला तो गाँव वालों ने चंदा कर उसके कुछ दोस्तों को बालासोर भेजा। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और फिर सुमित के परिवार और रिश्तेदारों को यहाँ भेजा है।
काम के सिलसिले में सुमित के साथ यात्रा करने वाले तीन दोस्तों की जानकारी तो मिल गई, लेकिन अभी तक सुमित का कुछ पता नहीं चला। यहीं से मिला है दो को और एक मिला है भद्रक से, खाली सुमित का भी पता नहीं चल रहा हम लोगों को। ऐसे में सुमित की तस्वीर लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगाना इनकी मजबूरी हो गई है। सुमित की तरह कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस से सफर करने वाले तपन भी उन्हीं लोगों में से एक है जिनकी तलाश अभी भी जारी है। ऐसे लोगों की तलाश के लिए प्रशासन समाजसेवियों की मदद लेता दिखा। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के कलेक्टर ने समाजसेवी समीर गुहा को तपन कुमार की तलाश के लिए भेजा। एक शख्स ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई तस्वीरों को लेकर यहां बालासोर अस्पताल पहुंचे हैं। दरअसल कई ऐसे परिवार हैं जो खराब माली हालत की वजह से खुद अपनों की तलाश में यहां नहीं पहुंच सकते। परिवार का आदमी इतना फाइनेंशियल वीक है, आने का लायक भी नहीं है, इसीलिए सर ने बोला आप जब जा रहे हो तो खोज कर टेस्ट मिलता तो हेल्प करो। घर की जर्जर माली हालत की वजह से ही तपन चेन्नई नौकरी करने के लिए जा रहा था, लेकिन परिवार अभी भी अंदेशों से घिरा हुआ है। चूंकि 100 से ज्यादा लोगों की तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है और इन्हें ढूंढने के लिए इनके अपने परेशान होते दिख रहे हैं, इसीलिए मुसीबत के मारों की मदद के लिए कुछ संगठन सामने आए हैं और अपनों की तलाश में भटकने वालों की मदद का बीड़ा उठाया। मदद के इस काम के लिए बालासोर जिले के आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एक हेल्प डेस्क बनाया। यहाँ पर अलग अलग हेल्प डेस्क सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर परिजन अपने लोगों को ढूंढने आ रहे हैं। इस तरह के हेल्प डेस्क मुसीबत की घड़ी में अपनों की तलाश में परेशान लोगों के लिए बड़े काम की साबित होती दिखी। बताया गया है कि आरएसएस से जुड़े संगठन के लोगों ने प्रशासन की मदद से मृतकों और घायलों की तस्वीरें ली और इनसे लापता लोगों की पहचान में मदद करते दिखे। और कौन से वार्ड में है ये उनको लेके वहाँ जाते हैं और अगर वो भुवनेश्वर गए हैं कि कहीं शिफ्ट भी हुए हैं तो वहाँ का बंदोबस्त करते हैं। अपनों की तलाश में अस्पताल भटकते लोगों के लिए ऐसे हेल्प डेस्क काम के साबित होते नजर आए। सामाजिक संगठन के साथ ही सरकार के स्तर पर भी पीड़ितों की मदद के लिए किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। बालासोर में मृतकों की पहचान के लिए हर मुमकिन मदद की कोशिश होती दिखी, साथ ही घायलों के इलाज के भी पुख्ता इंतजाम दिखे। 275 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे में जो बच गए उनका उस लम्हे को याद कर भावुक होना स्वाभाविक है। उस टाइम बहुत खुशी से बाहर निकल आया, जब निकल गए मैं सोचा भगवान मेरे को बचा लिया। दुख की इस घड़ी में मुसीबत के मारों की मदद के लिए बालासोर प्रशासन ने हर संभव मदद का दावा किया। आइडेंटिफिकेशन और हैंडिंग ओवर बहुत अच्छे से बीएमसी का टीम जो भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टीम बहुत अच्छे से कर। बालासोर के कलेक्टर ने बताया कि मृतकों और घायलों से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी 1929 डायल करने पर उपलब्ध है। बालासोर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि 275 मृतकों में से अभी तक 145 की पहचान हो चुकी है। जिन लोगों की पहचान हो चुकी है उनके अपनों को शव जल्द से जल्द सौंपने के इंतजाम है। यही वजह रही कि मृतकों के शव तमाम औपचारिकताओं को निपटाकर उनके पैतृक गांव पहुंचने लगे, जिसकी एक झलक झारखंड के गोड्डा में दिखी। बताया गया कि स्थानीय सरकार की पहल के बाद ट्रेन हादसे की चपेट में आए दो मृतकों के शव और चार घायलों को लेकर राज्य सरकार की टीम झारखंड पहुंची। झारखंड की तरह दूसरी सरकारों ने भी अपने राज्य के घायलों की सुध ली है। चूंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस में पश्चिम बंगाल के यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए घायलों में बड़ी संख्या में यहीं के लोग दिखे। और जब घायलों को लेकर परिवार वाले ट्रेन से कोलकाता लौटे तो रेलवे स्टेशन पर ही घायलों की हालत देखने के लिए रेलवे से लेकर राज्य सरकार के अस्पतालों के डॉक्टर्स का अमला नजर आया। डॉक्टर्स की टीम घायलों की सेहत की जांच करती दिखी। कोलकाता लौटे शेख सलीम ने बताया कि हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं याद है हमको ना कुछ बेहोश थे हम। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने घायल होने की वजह बता पाए। हम लोग जो है सीट के ऊपर से सीट आदमी के ऊपर आदमी गिरे हैं, चप चोट लगा है। घायलों और इनके परिवार वालों के चेहरे पर इसी बात का संतोष दिखा कि इनकी जिंदगी बच गई। Z News।